रुक जाओ। भाग भाग, पीछे मुड़ के मत देखना। सीआईडी वालों को अपना मुंह नहीं दिखाना है। जल्दी चलो वरना बुरी तरह से फंस जाएंगे हम। रुक जाओ ना तो गोली चला दूंगा मैं। पकड़ो उन्हें। यहाँ क्या है? रुक जाओ। अब धीरे धीरे घूम जाओ। तीनों टेबल पर ऐसे क्यों पड़े हैं? खून सिर के बीचों बीच गोली लगी है तीनों के। हाँ सर। हेलो रजत सर, ये इन तीनों के सिर में गोली मारी गई है। What? लगता है उन तीनों ने ही खून किया इनका। छोड़ो मत उन्हें, पकड़ो उन्हें। तीन तीन खून कर दिए तुम लोग। क्या सोचा था हमसे बच के निकल जाओगे? खून? लेकिन हमने किसी का खून नहीं किया है। झूठ मत बोलो। कॉन्फ्रेंस रूम में पड़ी तीन लाशें गवाह हैं तुम्हारे जुर्म की। हम सच कह रहे हैं सर, हम यहाँ उनसे मिले आए थे, उन्हें मारने नहीं। अगर आप लोगों ने किसी को मारा नहीं तो फिर भाग क्यों रहे थे? क्योंकि जिस मकसद से हम यहाँ आए थे वो तभी पूरा होगा अगर आप हमें पकड़े नहीं, जाने दें। कैसा मकसद? ये देखिए सर, ये रहा चेक, और इसके ऊपर खून लगा हुआ है। सर वो तीनों तो चेक लेने के लिए आए थे, तो फिर चेक लिए बिना कैसे चले गए? वही तो, आए थे चेक लेने के लिए लेकिन चेक लेकर ही नहीं गए, और तो और साथ साथ इन तीनों का खून करके चले गए। ये कैसे हो सकता है? पंकज मिताली को लेकर आओ जल्दी। सर उन तीनों को पकड़ के रखा। उन तीनों के नाम है मिंटू हसन, सुखी और मनप्रीत। शय उन्हीं के पास है, लेकिन सर वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि उन्होंने ये खून नहीं किए। मिंटू हसन, सुखी और मनप्रीत कह रहे खून नहीं किया। रजत डॉक्टर तारिका को बुलवा लेते हैं और उससे इन तीनों की गन पाउडर टेस्ट करवाते हैं। पता चल जाएगा कितना सच बोल रहे कितना झूठ। सारे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लेते हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। चेक करो। सर मिताली, ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये सब? मिताली बता, यहाँ इस कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए क्या तुम्हारे पूरे स्टाफ को परमिशन लेनी पड़ती है? हाँ सर, जब भी कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होती है कोई भी बिना इजाजत के इस कमरे में तो क्या इस फ्लोर पर भी नहीं आ सकता, और आज तो यहाँ बहुत जरूरी मीटिंग थी। इसीलिए कृतिका मैडम, रणबीर सर और ईशान सर ने कहा था कि किसी को भी यहाँ आने की अनुमति न दी जाए जब तक मीटिंग खत्म ना हो जाए। तो फिर वो तीनों कैसे घुसे इस कॉन्फ्रेंस रूम में? क्या तुम भी शामिल हो उनके साथ? बताओ। नहीं सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं भला अपने बॉसेस को क्यों मारूंगी? उन्हें तो कृतिका मैम ने परमिशन दी थी अंदर आने के लिए। सर पूरा कमरा छान मारा, कहीं कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला इस कमरे में, है ना बड़ी अजीब बात। यहाँ इस कॉन्फ्रेंस रूम में आने के लिए और यहाँ से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है। यही दरवाजा है ना? हाँ सर। ये सब हुआ कैसे? कैसे हुआ ये सब? जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तब ये तीनों भी, मिंटू हसन, सुखी और मनप्रीत, भागे जा रहे थे यहाँ से। क्यों? और वो भी बिना चेक लिए। सारा चक्कर क्या है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सर हाँ, ये भी तो हो सकता है कि इन तीनों ने एक दूसरे को मार दिया हो। नहीं पंकज, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है। अगर ये तीनों एक दूसरे को मारते तो कोई ना कोई गन तो हमें मिलती, कोई ना कोई गन। नहीं 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 नहीं, इस सारी गुत्थी का जवाब इन तीनों के पास है। मिंटू हसन, सुखी, मनप्रीत। ये लोग सच कह रहे हैं सर, इनमें से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। किसी के हाथ पर गन पाउडर का निशान नहीं,
नहीं सर। अब तो यकीन हो गया ना आप लोगों को कि हम शरीफ लोग हैं, क्रिमिनल नहीं। शरीफ लोग मिंटू हसन, सुखी, मनप्रीत, शरीफ लोग इसलिए भाग रहे थे हमसे। दरअसल हमें यहाँ आर्यन और शिमोना ने भेजा था एक 2.5 करोड़ का चेक लेने, लेकिन इससे पहले कि हम तीनों को मिल पाते गोलियां चल गई और हम लोगों को लगा कि पतली गली से कट लेने में ही समझदारी है। पतली गली से कट लेने में ही समझदारी है। अगर तुम लोग शरीफ होते तो या तो खूनी को पकड़ने की कोशिश करते या फिर CID को बुलाते। नहीं कर सकते थे ऐसा, क्योंकि हमारी शराफत हमें हमारी मंजिल से भटका देती। मंजिल? जरा हमें भी तो बताओ क्या मंजिल है तुम्हारी है? एक मुजरिम। मुजरिम? कौन मुजरिम? मुजरिम नहीं, कैंसर है वो, कैंसर। एक ऐसा कैंसर जो समाज के जड़ों को खोखला कर देना चाहता है, और उस कैंसर से देश को बचाने के लिए हमें भी मुजरिम बनना पड़ा। पर हम सिर्फ छोटे मोटे जुर्म करते हैं, शरीफों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे गुनाहों से प्रभावित होके वो हमें अपनी दुनिया में एंट्री दे दे। इसीलिए भाग रहे थे तुम हमसे, पकड़े नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अगर पकड़े जाते तो उनके गैंग में घुस नहीं पाते, है ना? जी हाँ, क्योंकि अपने सारे काले धंधे सफेद चादर की आड़ में करता है, और जुर्म के दुनिया की कीचड़ की एक बूंद भी उसके पाप के महल को धाराशाही कर सकती है। इसीलिए हम नहीं चाहते थे कि हम आपके साथ पकड़े जाएं, लेकिन आप लोगों ने पकड़ ही लिया। ये शिमोना और आर्यन, इनका क्या संबंध है इस बात से? वो दोनों उसी के लिए तो काम करते हैं, और हम तो उन्हें बस सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर रहे थे ताकि उन तक पहुंच सके। मतलब शिमोना और आर्यन ने मिलवाया तुम्हें इस रणवीर, ईशान और कृतिका? जी हाँ, कल दोपहर आर्यन और शिमोना की नकली आर्ट एग्जीबिशन में। आर्यन और शिमोना दिख रहे हैं कहीं? वो रहे, शिमोना लाल सलवार में और आर्यन ब्लैक कोट में। अपने हुनर का गलत फायदा कैसे उठाया जाता कोई इनसे सीखे। न जाने कितने लोगों को उल्लू बनाए इन दोनों ने अपने आर्ट और एंटीक के चक्कर में। कोट, काफी अच्छी जानकारी है आपको पेंटिंग्स की। मुझे लगता है ये वाली पेंटिंग हमारे कॉन्फ्रेंस रूम के लिए काफी अच्छी रहेगी, क्यों कृतिका? वाकई इस पेंटिंग में कुछ तो कशिश है। बिल्कुल ठीक है आपने कृतिका जी, एक नायाब हीरे की कीमत एक अच्छा जौहरी परख सकता है, और आपकी आंखों में परखने की नजर कूट कूट कर भरी है। पर 3 करोड़ तो ज्यादा ही है इस पेंटिंग के लिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, इस पेंटिंग के लिए 30 करोड़ भी कम है, और वैसे भी जो चीजें अनमोल होती है ना उनकी कीमत नहीं लगाई जाती, क्यों आर्यन? क्या डायलॉग मारा है, जो चीज अनमोल होती है ना उसकी कोई कीमत नहीं बताई जाती। देखना इस पे तीनों के तीनों क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। पर कुछ तो कम कीजिए, बहुत ज्यादा है। भाई हमें कृतिका जी की मुस्कान बहुत पसंद आई। जी शुक्रिया। आप एक काम कीजिए, 3 की जगह 2.5 करोड़ दे दीजिएगा। ठीक ठीक है, डन करते हैं। तो फिर ठीक है, कल हम सारी पेंटिंग्स आपके ऑफिस में भिजवा देते हैं और आपसे चेक भी ले लेंगे। ठीक है। तो फिर बोलिए कल कितने बजे तक कॉन्फ्रेंस रूम में आएंगे आप पेंटिंग्स देखने के लिए? 11 बजे सही रहेगा, 11 बजे मिलते हैं। डन डन, थैंक यू। वैसे बहुत अच्छा फ्लर्ट कर रहे थे आप कृतिका जी के साथ। क्यों, तुमको बहुत जलन हो रही है क्या? कहो तो थोड़ा सा फ्लर्ट तुम्हारे साथ भी कर लो। भाई थोड़ी फ्लर्टिंग मेरे साथ भी कर लो मिस्टर आर्यन। आर्यन? नहीं नहीं, आर्यन नहीं, मेरा नाम केतन है। और मेरा नाम नटवरलाल, और ये सिमोना नहीं मोना डार्लिंग। लेकिन आप लोगों को ये कैसे पता चला? और हमें ये भी पता है कि कैसे तुम 200-500 रुपए की घटिया पेंटिंग्स को लाखों करोड़ों में बेचकर मासूम लोगों को चूना लगाते हो। गुड जॉब। कृतिका जी का दिल टूट जाएगा जब उन्हें पता चलेगा कि ये पेंटिंग नकली है, और वो जब उनकी मुस्कान की तारीफ कर रहे थे वो भी नकली है। समझे? कितना पैसा चाहिए तुम लोगों को? बड़े समझदार हो, जल्दी मुद्दे पे आ गया। हाँ, एक ढक को दूसरे ढक को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमें उस आदमी का पता चाहिए जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। लेकिन क्यों, आप लोग हमारे बॉस तक क्यों जाना चाहते हैं? ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी 420 की गाड़ी सही सलामत चलती रहे, जैसे कह रहे हैं वैसा ही करो। ठीक है, लेकिन आप लोगों को हमें ये गारंटी देनी पड़ेगी कि हम दोनों का धंधा चौपट नहीं होगा। दे सकते हैं? नहीं होगा। बस अब बताओ कैसे पहुंचेंगे उस तक? बहुत सरल, बस आप लोगों को उन्हें यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप लोग हमारे लिए काम करते हैं। पर वो कैसे होगा? सिंपल है, कल इस पेंटिंग के 2.5 करोड़ का चेक हम लोग नहीं आप लोग लेने जाएंगे। शिमोना का इन तीनों से पूछना कि तुम लोग कॉन्फ्रेंस रूम में कितने बजे तक रहने वाले हो, ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है। सर हो सकता है इन तीनों का खून आर्यन और शिमोना ने किया हो।
उन्हें ऐसा लगा हो कि हमारा भी काम हो गया और ये तीनों भी फंस गए। पंकज, जो तीनों भी आर्यन और शिमोना के कस्टमर्स थे तो वो उन्हें क्यों मारेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये कुछ और ही चक्कर है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों को कुछ याद आता है? कोई ऐसी खास बात जो हमें बताना भूल गए हो तुम? एसीपी सर, एक फोन तो आया था आर्यन को। नहीं नहीं नहीं, रणवीर को। और वो बहुत गुस्से में बात कर रहा था फोन पे। नहीं, क्या बात कर रहा था वो? एक्सक्यूज मी, हेलो, क्या ऐसे कैसे खराब हो गया? उसे जल्दी से ठीक करवाओ। कल सुबह 11 बजे मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, उसे पहले ये काम हो जाना चाहिए, समझे? मिस्टर रणवीर, या मेरी अभी अपने कारपेंटर से बात हो गई है, आज रात को ही जाकर वो ये आपके कॉन्फ्रेंस हॉल में खूबसूरत पेंटिंग लगा देगा। ओह नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कल सुबह जब हम ऑफिस पहुंचेंगे तो ये पेंटिंग दीवार पर लगी होगी। बिल्कुल, गुड। और हमारी जगह चेक लेने के लिए ये तीनों आएंगे। ओह, कौन है ये तीनों? ये तीनों भी हमारे साथ ही काम करते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे गोलियां चलने लगी, उसके बाद क्या हुआ आपको तो पता ही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना इस आर्यन ने रात को फोन करके तुरंत पेंटिंग्स क्यों लगवा ली कॉन्फ्रेंस रूम में? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या तुम लोगों ने इन दोनों को देखा था बिल्डिंग में? नहीं, वो दोनों तो यहाँ कहीं नजर नहीं आए, कहीं भी दिखाई नहीं दिए। तो फिर ये खून किया किसने? ये खून किया किसने? किसने किया ये खून? पता चला गोलियां कैसे चली? हाँ पता तो चला है, कुछ शायद मदद मिल जाए तो बता दे। वैसे कृतिका, ईशान और रणवीर ऐसे ही बैठे थे ना कॉन्फ्रेंस रूम में? बिल्कुल ऐसे ही बैठे थे, और तीनों के सिर के बीचों बीच गोली लगी है। और वो गोली एक ही कैलिबर की है बॉस, जो तीनों को लगी है। और तीनों को गोली 55 से 60 डिग्री के एंगल से चली है, ऐसे। मतलब गोलियां ऊपर से नीचे चली है। सर फिर तो खूनी को भी ऐसे ही किसी ऊंची चीज पर चढ़ना पड़ा होगा। तो क्या सर खूनी ने इन सब पर कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल पर चढ़ के गोलियां चलाई होंगी? नहीं निखिल, कॉन्फ्रेंस रूम की टेबल पर चढ़कर कैसे गोलियां चलाएगा? क्योंकि अगर खूनी या जो भी जिसने भी टेबल पर चढ़कर गोलियां चलाई तो फिर उसके जूतों के निशान मिलते हैं हमें। चलो उसने जूते के निशान अगर साफ भी किए होते तो भी उसके जूते के नीचे जो धूल लगी रहती है वो तो मिल जाती, उसके ट्रेसेस तो मिल जाते हमें। वैसा तो कुछ भी नहीं मिला। और एक बात सर, इन तीनों के शरीर पर कोई भी हाथापाई के निशान नहीं मिले। कोई भी हाथापाई के निशान नहीं, तो हो सकता है खूनी इन तीनों को जानता हो और शायद इसी बात का फायदा उठाया उसने और चला दी गोली। सड़क है उस चेक के ऊपर जो खून मिला था वो किसका था? बस वो खून रणवीर का है। रणवीर का है? लेकिन सर इन तीनों को मारकर किसी को क्या फायदा हो सकता है? इन तीनों को मारकर किसी का क्या फायदा हो सकता है ये तो हम पता लगा ही लेंगे श्रेया, लेकिन पहले उस कॉन्फ्रेंस रूम में फिर से जाना होगा, फिर से देखना होगा कि गोली चली कैसे। ऊपर से कुछ ना कुछ तो है उस कॉन्फ्रेंस रूम में जो हमारी नजरों से छूटा है। इस कॉन्फ्रेंस रूम में जाकर फिर से अच्छी तरह से देखते हैं, अच्छी तरह से। तो तुम हो ईशा इस कंपनी के चौथे और सबसे बड़े हिस्सेदार। जी सर। इन तीनों की मौत के बाद तो तुम कंपनी के मालिक बन गए हैं? जी, सही कहा आपने। मुबारक, मिठाइयां लाए हो? मिठाई? सर मेरे पार्टनरों के साथ इतना बड़ा दुखद हादसा हुआ है और आप मिठाई खाना चाहते हैं? अब करोड़ों रुपए जो मिल गए तुम्हें और फिर कंपनी पूरी की पूरी तुम्हारी हो गई। नहीं सर, ये क्या कह रहे हैं आप? सर पैसा तो हाथ का मैल है पर इंसान की जिंदगी पैसे से कहीं ज्यादा अनमोल है। इसी हाथ के मैल ने अच्छे अच्छे लोगों की नीयत को गंदा किया है मिस्टर विशाल। आज सुबह 11 बजे जब इन तीनों को गोली लगी आप कहाँ थे? जी मैं, मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था तो मैं डेंटिस्ट के पास गया। आप चाहें तो डेंटिस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे ये आपके दांत का दर्द ठीक है अभी? अभी ठीक है। दांत का दर्द बहुत खराब होता है सर, मेरा डॉक्टर कहता है कि दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सोने के बाद और एक बार उठने से पहले। मेरे दांत देखो। डॉक्टर पंकज, आपका लेक्चर खत्म हुआ और आप इसे आप सर सर में अब है कृतिका के हॉस्पिटल। ओ क्या क्या लगता है आपको, आपको किसी पर शक है
कौन कर सकता है ये? नहीं सर, मुझे मुझे किसी पे शक नहीं है, पर सर जिस किसी ने भी किया ना उसे आप छोड़िएगा मत प्लीज सर। पता नहीं हो कृतिका के बिना मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। मिस्टर अभय हौसला रखिए, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि रणबीर सर की जान पहले से ही खतरे में थी। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? सर, रणबीर सर ने शशांक और केदार के खिलाफ पुलिस में कम्प्लेन की थी। वो दोनों कंपनी हथियाना चाहते थे और रणबीर सर कुछ दिनों से काफी अजीब सा बिहेव करते थे। ना हंसते थे ना बोलते थे, हमेशा अकेले रहते थे। जहाँ भी जाते थे ड्राइवर को भी साथ लेकर नहीं जाते थे। जहाँ भी जाते थे अकेले जाते थे, अपने ड्राइवर को भी साथ में नहीं लेके जाता था। सर, सालम के सर कह रहे थे ना कि गोली 55 से 60 डिग्री के एंगल में चली, गोली कहीं ऊंचाई से चलाई गई। लेकिन सर, इस सारी जगह को देख के तो नहीं लगता कि गोली ऊंचाई से चली। सर, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, अगर कोई किसी को गोली मारेगा तो खड़े खड़े सामने ऐसे मारेगा, टेबल पे चढ़ के गोली क्यों मारेगा? सर सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोलियां किसी चीज के अंदर से चली थी? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है श्रेया, बिल्कुल हो सकता है। इस कॉन्फ्रेंस रूम का कोना कोना छान मारो, एक एक इंच देखो, कोई भी चीज हमारी नजरों से छुटनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज। सर, फिर से कुछ नहीं मिला। रजत, एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतना बड़ा प्रोजेक्टर का स्क्रीन है, प्रोजेक्टर का रिमोट है, मतलब प्रोजेक्टर कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि सर, प्रोजेक्टर सीलिंग के अंदर लगा हुआ है। प्रोजेक्टर सीलिंग के अंदर लगा हुआ है? अच्छा, तो क्या हम उसे नीचे उतार सकते हैं? जी सर। कैसे? सर, वो जो रिमोट में ऊपर वाला बटन है उसको दबाएंगे आप तो ये प्रोजेक्टर नीचे आ जाएगा। ये बात है, प्रोजेक्टर ऊपर सीलिंग के अंदर। विशाल जी, एक बात बताइए, ये रणवीर, ईशान और कृतिका, ये तीनों भी क्या मीटिंग के वक्त इन्हीं कुर्सियों पर बैठते थे या कहीं पर भी? जी हाँ सर, जब भी हम मीटिंग लेते थे कॉन्फ्रेंस हॉल में, ये तीनों इन्हीं जगह पर ही बैठे, इन्हीं तीन कुर्सियों पर बैठते थे। रजत, उतारो इस प्रोजेक्टर को नीचे, खोलो। इसे पंकज, वाह रे वाह, इसमें तो गन फिट की गई है, प्रोजेक्टर के अंदर गन लगा के रखी है, मतलब खूनी जानता था कि ये तीनों सभी नहीं कुर्सियों पर बैठते थे, जैसे इन कुर्सियों पर बैठे प्रोजेक्टर के गन में से गोलियां चली और काम खत्म। हाँ सर, ये तीनों बेचारे कहाँ जानते थे कि प्रोजेक्टर के नीचे आते ही गोलियां चलेंगी और तीनों मारे जाएंगे। मगर सर, प्रोजेक्टर में गन फिट की किसने? गन फिट की किसने? सर, मिंटू हसन कह रहे थे ना कि उन्होंने रणवीर को फोन पर किसी से बात करते हुए सुना था और रणवीर कह रहा था कि आज ही ठीक हो जाना चाहिए। उसे जल्दी से ठीक करवाओ, कल सुबह 11 बजे मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है, उसे पहले ये काम हो जाना चाहिए, समझे? नहीं, रणवीर उस प्रोजेक्टर की बात तो नहीं कर रहा था? हाँ, हो सकता है। मिताली, क्या मीटिंग से पहले किसी ने इस प्रोजेक्टर को हाथ लगाया था, कोई रिपेयर करने आया था? सर, कल रात को आर्यन और शिमोना आए थे ये पेंटिंग लगाने के लिए, उसी दौरान एक इंजीनियर भी आया था प्रोजेक्टर ठीक करने के लिए। उस वक्त आप यहाँ थे? नहीं सर, मैं नहीं थी, रात हो गई थी तो मैं घर चली गई थी, मुझे वॉचमैन ने बताया। कौन था ये इंजीनियर?
पता नहीं सर, कोई नया इंजीनियर था। वॉचमैन कह रहा था कि पहली बार देखा है। उस इंजीनियर ने अपना नाम पता नंबर तो दिया होगा? नहीं सर। कोई नया इंजीनियर जिसका नाम नहीं, पता नहीं, नंबर नहीं। वाह रे वाह, बहुत बड़ी प्लानिंग की इस खूनी ने। पहले इसने प्रोजेक्टर को बिगाड़ दिया, फिर अपने आदमी को बुला लिया इसे रिपेयर करने के लिए, इस नए इंजीनियर को, और उसके जरिए उसने ये गन फिट कर दी इस प्रोजेक्टर में। मगर ये इंजीनियर उसी वक्त आया था जिस वक्त आर्यन और शिमोना ये पेंटिंग लगाने आए थे। तो इसका मतलब है आर्यन और शिमोना ये दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इन तीन खूनों के साथ। सर, ये आर्यन और शिमोना हर जुर्म से पहले अपनी पहचान बदल लेते हैं, शायद इस वक्त भी अपने नए जुर्म के बारे में सोच रहे हैं। तो पता लगा आर्यन और शिमोना इस बार अपने चेहरे पर कौन सा नया चेहरा लगाने वाले हैं। शशांक और केदार, बताए इस कागज में क्या है? क्या लिखा है सर? तुम्हारे अतीत का इतिहास। कैसे? किस तरह आप लोग बड़ा मगरमच्छ बनकर छोटी मछलियों को खा जाना चाहते हैं, इसका इतिहास। अब तक कुल 15 कंपनियों को आप लोग अपनी कंपनी में शामिल कर चुके हैं, या तो पैसे का लालच देकर या फिर धोखाधड़ी से। इसमें गलत क्या है सर? हर बिजनेसमैन का एक सपना होता है कि वो अपना कारोबार फैलाए। आप लोग बस वही कर रहे हैं, मगर गलत ढंग से कर रहे हैं, गलत ढंग से। ये है वो 7 लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है पुलिस में, इसमें रणवीर भी है। सर, वो कहते हैं ना, इंसान जैसे जैसे कामयाब होने लगता है उससे जलने वालों की तादाद भी बढ़ने लगती है। ये लोग जलते हैं हमसे सर। झूठ। इसलिए बिना वजह ये लोग हमारी तरक्की में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। क्या तुमने इन लोगों को धमकी नहीं दी कि तुम्हारी कंपनी हमें दे दो? हाँ या ना? नहीं सर, हमने इन्हें धमकी नहीं दी थी, सिर्फ प्यार से विनती की। प्यार से विनती की? सीधे सीधे बता दो क्यों मारा तीनों को। यकीन मानिए मेरा सर, हमने इन्हें नहीं मारा। हाँ सर, हम तो इन्हें जानते भी नहीं है। जानते भी नहीं? ठीक है, निकल, दिखाओ इन्हें फोटो, गौर से देखो, पहचानते हो इन्हें? नहीं सर, हम इन्हें नहीं पहचानते। ये शिमोना है और ये आर्यन, आपकी तरह 420। आर्यन और शिमोना, हम ये नाम पहली बार सुन रहे हैं सर। हाँ सर। सर, मुझे लगता है ये दोनों सच कह रहे हैं, उन तीनों के खून में इनका हाथ नहीं है। श्रेया, इतनी जल्दी ये कहना ठीक नहीं है। पर अगर मान भी लिया कि इन दोनों ने खून नहीं किया, तो फिर खून किया किसने? ये खून किसी ऐसे आदमी ने किया जो अंदर वाला है, अंदर वाला, और जो जानता था कि ये रणवीर, ईशान और कृतिका वहाँ उस कॉन्फ्रेंस रूम में 11 बजे आने वाले थे। सर, जिस क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, हो सकता है वही हो इस सबके पीछे। हाँ, मगर विशाल और मिथाली, इन दोनों ने तो हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया। सर, हो सकता है उन दोनों को पता ही ना कि ये मीटिंग आखिर थी किसके साथ। हो सकता है। सर, अक्सर जो बातें साथ वालों को पता नहीं होती है, वो बातें उनके ड्राइवर्स को पता होती है। तो ठीक है, ड्राइवर से पूछताछ करो। एक्सक्यूज मी, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर सचिन हूँ। आप जरा ये दोनों फोटो देखिए। क्या ये लड़का और लड़की आपके यहाँ पासपोर्ट बनवाने आए थे क्या? नहीं सर, ये दोनों तो कभी नहीं आए। पूरे यकीन से कह सकते हैं कि कभी नहीं आए? हाँ सर, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये नहीं आए। थैंक यू। वेलकम। ये आर्यन और शिमोना है, क्या ये दोनों आपके बैंक में नया अकाउंट खुलवाने आए थे? आर्यन और शिमोना? एक मिनट सर। नहीं सर, इन्होंने हमारे यहाँ कोई अकाउंट नहीं खुलवाया। कोई बात नहीं, ये मेरा कार्ड है, अगर ये दोनों आपके बैंक में आए तो मुझे फौरन इन्फॉर्म कर दीजिए। ओके सर। ओके, थैंक्स। सर,
कहीं हमारी तहकीकात की राह गलत नहीं है? शायद इस बार आर्यन और शिमोना ने कोई नया अकाउंट खुलवाया ना हो। नहीं फ्रेडी, ऐसा नहीं हो सकता। आर्यन और शिमोना का जुर्म गणित की गिनती की तरह, जिस तरह से 3 से पहले 2 का आना तय है, उसी तरह शिमोना और आर्यन का बैंक अकाउंट खुलवाना तय है। एक काम करते हैं, आगे के बैंक चेक करते हैं। चलो। मैनेजर साहब। जी कहिए। हम लोग CID से। CID? जी हाँ CID। जरा इन फोटो को गौर से देखिए। ये आर्यन और शिमोना, क्या ये आपके बैंक में अकाउंट खुलवाने आए थे? ये दोनों? हाँ, ये दोनों हमारे अकाउंट खुलवाने आए थे। लेकिन आपको कोई गलत फहमी हो रही है, इनका नाम आर्यन और शिमोना नहीं, रवि और सपना है। क्या, रवि और सपना? जी हाँ। ये दोनों 420 इतने धड़ल्ले से अपने नाम बदल रहे जैसे हर शुक्रवार को सिनेमा हॉल में फिल्म बदलती रहती है। अच्छा, ये उनकी डिटेल्स देख सकते हैं? जी एक मिनट। हाँ वीरेन, उस फाइल में से रवि और सपना की डिटेल्स लेकर आना। हाँ, ये रहे इनकी डिटेल्स। सारे जरूरी कागजात और डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं? हाँ, अकाउंट खुलवाने के लिए जो भी कागजात जरूरी होते हैं वो इन्होंने दिए थे, और हमने इन्हें चेक भी किया था, बिल्कुल सही थे। और तो और, हमारी एक टीम इनके घर भी जाने वाली है एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। एड्रेस वेरिफिकेशन? एड्रेस तो यही बताया था ना उन लोगों ने? यस सर। मिस्टर रवि जी, बोलिए। हम लोग ASDC बैंक से आए हैं आपके घर का वेरिफिकेशन करने। आपने नया खाता खोलने के लिए एप्लीकेशन दिया है ना? हाँ, आइए। हाँ, आइए। बहुत बढ़िया घर बनाया आपने सर। अच्छा, सपना मैम है ना, उनके भी सिग्नेचर्स लगेंगे। अच्छा हाँ, सपना सपना, क्या हुआ रवि? बड़े अच्छे कलाकार हैं आप लोग। आर्यन को रवि और शिमोना को सपना बुलाते हैं। मतलब आप लोगों का खेल खत्म हो चुका है मिस्टर आर्यन और मिस शिमोना? कौन हो तुम लोग और हमारा असली नाम कैसे जानते हो? अरे भैया सुनो, जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, उसके हम लोग हेडमास्टर्स रह चुके, और तुम्हारे जैसे 420 हमारे जेब में लेके घूमते हम लोग। देखो देखो, मुझसे पंगा मत लो, बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं। CID से खतरनाक तो नहीं हो सकते ना? CID? अरे कहाँ जा रहे? क्या ये सब? हाँ ये सच है कि पेंटिंग के बाद ही हम लोगों ने प्रोजेक्टर में गन फिट करी थी। 2.5 करोड़ रुपए तो तुम लोगों को वैसे ही मिलने वाले थे, फिर 3-3 खून करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि अगर हम उनका खून नहीं करते तो वो हमारा खून करते। वो कौन? फिर वो पिछले महीने हमने एक आदमी को चूना लगाने की कोशिश करी,
जो हमारे जाल में फंसाई रही। हाँ, तो मैं कैसे यकीन कर लूं कि जो जेवरात आप हमें बेचना चाहते हैं वो सब असली हैं और राजा महाराजाओं के वक्त के हैं? अगर आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं तो ये रहा उसका प्रमाण पत्र। ये मिस्टर अभिमन्यु, उस राजघराने के वारिस, उनका नाम और नंबर इसी में। और वैसे भी अगर आपके बॉस को हम पर यकीन नहीं होता तो नीलामी में 5 करोड़ रुपए की बोली क्यों लगाते? ठीक है, बिना भरोसे के कोई भी सौदा पक्का नहीं हो सकता है। ये लीजिए अपनी रकम। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू। हेलो, क्या? अरे पकड़ो इन्हें, अरे सब नकली है, अरे जेवरात नकली है, पकड़ो। तो उन लोगों ने सोचा कि तुम्हें पुलिस के हवाले करने की बजाय क्यों ना तुमसे एक जुर्म और कराया जाए। सर, हम तो खून करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हम लोगों से पैसे ले, उनकी जाने नहीं लेते। खून करने से इतना ही परहेज था तो क्यों साथ दिया उन लोगों का? सीआईडी के पास आना चाहिए था तुम लोगों को। कहाँ पकड़े गए थे तुम दोनों? सर, वो होटल रिज में। होटल रिज? Excuse me. आइए सर, आप डिलक्स रूम एसी लेंगे या नॉन एसी? सर, सीआईडी, क्या बात है सर, सब ठीक तो है ना? ठीक तो कुछ भी नहीं है। इन तीनों को जानते हो? नहीं तो सर। नहीं पहचानते? मैं नहीं पहचानता सर। बोला आपने मैनेजर को? अरे वो रहे, मैनेजर साहब जल्दी आइए, सीआईडी वाले आए हैं। क्या हुआ सर? इन फोटोज को जरा ध्यान से देखिए, ये रणवीर, ये आर्यन और ये शिमोन। जरा डिटेल चेक करके बताइए क्या ये आपके होटल में आए थे? ठीक है सर। नहीं सर, ये नाम के लोग तो हमारे होटल में कभी नहीं आए। शायद नाम बदल कर रह रहे हो। सर, नाम बदल के आए होंगे तो पता नहीं, लेकिन पहले इन्हें इस होटल में आते हुए कभी नहीं देखा सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है। जहाँ तक आपका ख्याल है? हेलो, हाँ जरा अंदर आना था। हाँ सर। अच्छा, ये बताओ कि रणवीर साहब यहाँ इस होटल में अक्सर आते थे? हाँ साहब, हफ्ते में 2-3 बार आ ही जाते थे किसी से मिलने। सुन लिया मैनेजर साहब आपने, कमाल की याददाश्त है आपकी। जो ग्राहक अक्सर आपके होटल में आते हैं आप उन्हें भी भूल जाते हैं जी। वो क्या हुआ, आपकी जुबान क्यों लड़खड़ाने लगी? हाँ सर, जुबान नहीं सर। क्या छिपा रहे हैं आप हमसे? सर कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ मैं। हेलो, हाँ सर, क्या? तो ये बात है। हाँ सर, मैं होटल रिट्स में ही हूँ, मैं खाली होके आपको फोन करता हूँ। ओके ओके। क्या हुआ? शिमोना और आर्यन ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। 10 दिन पहले एसी होटल में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन हुआ था जिसमें फिर से उन लोगों ने एक बार किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश की लेकिन नाकामयाब रहे। अब क्या कहना है आपका मैनेजर साहब? हम लोगों को माफ कर दो सर, किसी ने हम लोगों को पैसे दिए थे ताकि आप लोगों के सामने मुंह ना खोले। अब मुंह खोलने का समय आ गया है। अब ये बताओ कि ये पैसे तुम्हें किसने दिए थे और रणवीर इस होटल में किससे मिलने आता था? सर वो बोला निखिल, इस वॉचमैन को ठीक तरह से समझा दिया है ना? हाँ सर, समझा दिया, लेकिन थोड़ा डरा हुआ है। सर, ये जो कोई भी है जो आर्यन और शिमोना को फंसा रहा है बहुत चालाक है। वो खुद तो कभी सामने नहीं आया, उसने अपना सारा काम अपने स्टाफ के जरिए करवाया। आशय, पर अब इस चेहरे का मुखौटा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, बहुत जल्द हम इसके जुर्म के खेल का पर्दाफाश कर देंगे। सर, नाम लिया और मुजरिम हाजिर। की सारी लाइटें ऑन क्यों हैं?
कौन है? कौन है वहां पर? नीचे आओ। अरे क्या हाल है विशाल भाई, कैसे हो? दांत का दर्द कैसा है? मैंने कहा था ना आपको दो बार ब्रश करना सोने के बाद उठने से पहले। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आप मुझे देख के खुश नहीं? तो जरा पलट के इस तरफ देखो, शायद हमें देख के कुछ खुशी मिल जाए आपको। अरे सर आप लोग यहाँ पर मेरे घर में, क्या खूनी का पता चल गया सर? हाँ पता चल गया, तो हमने सोचा कि खुद चल के अपने हाथों से उसका जबड़ा हिला दे। जबड़ा हिला दे सर? तो उसके लिए तो आपको खूनी के घर में होना चाहिए, फिर भला आप यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हैं? अपना एक गाज जरा यहाँ लाना। अरे सर आपको मुझ पर शक है? शक नहीं, पूरा यकीन है। सर कहाँ जा रहे हो विशाल बाबू? अपनी कंपनी का शेयर छोड़ कर मेरे मिट्ठू, अब एक अच्छे तोते की तरह चुपचाप सच बताना शुरू करते हैं, समझा? बोल। सर ये सच है कि मैंने रणवीर, ईशान और कृतिका के खून में साथ दिया था, पर सर मैंने उनके खून की साजिश नहीं रची थी सर। तुमने नहीं रची? नहीं सर। तो फिर किसने रची? मुझे नहीं मालूम सर वो कौन, मैं उससे कभी मिला भी नहीं सर। सर वो हमेशा अपने वकील को भेजता था मुझसे बात करने के लिए। सर लगता है हमें गुमराह करने के लिए कहानियां बना रहा। उन तीनों की मौत के बाद सारी दौलत तो इसकी हो गई, इसके पास सबसे ठोस वजह थी उनको मारने की। नहीं भाई सर, सर वो चाहता था कि मैं इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दूं और उसके बाद इस कंपनी को एक नकली फर्म में बेच दूं ताकि वो बाद में उस नकली फर्म से कंपनी को वापस खरीद ले। बहुत लंबी प्लानिंग की थी खूनी ने। अब तुम एक काम करो, उस वकील को फोन लगाओ और उससे वो कहना जो अब हम तुम्हें बताएंगे। विशाल आखिर कौन सी ऐसी जरूरी बात थी जो तुम इस अनजान जगह पे कर रहे हो? अगर तुम चाहते हो तो ये बात ऑफिस में भी हो सकती थी। सुरेश जी बात बहुत जरूरी थी इसलिए मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा। कौन सी जरूरी बात थी? सुरेश जी रणवीर ने ये कंपनी हमें बेचने से पहले किसी और को बेच दी है, अब इस कंपनी को बेचने का हक हमारे पास नहीं है। एक मिनट क्या कहा आपने, इस कंपनी को बेचने का हक आपके पास नहीं? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, रणवीर ने बाकी सारे पार्टनरों के साथ गद्दारी की और इस बात की भनक तक नहीं लगने दी किसी को। अच्छा ये बताओ इस कंपनी के नए मालिक का नाम क्या है? हम हैं। वकील साहब को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अपना प्यार भरा नमस्कार रखो अपनी जेब में और अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुपचाप ये कंपनी उसको दे दो जिसका इस कंपनी पे पूरा पूरा हक। सुखी जी हम तो इतने प्यार से बात कर रहे हैं इनसे और ये हमें धमकी दे रहे हैं। वो क्या ना मनप्रीत, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। ठीक कहा, बिल्कुल ठीक, इसीलिए आज मैं तुम दोनों को ऊपर भेजने का इंतजाम करके रहा हूं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कंपनी कभी किसी और के नाम पे हुई थी। सर मैं अब है कृतिका के हॉस्पिटल। ऐसे कैसे भूल दोगे, क्या समझ रखा है हमें? घर नीचे रखो, पहले सीआईडी को तो आने दो। सीआईडी आए पहले मैं तुम्हें मार देता हूं। क्या कहानी तो तुम्हारी खत्म होगी फांसी के फंदे पर। कहां भाग रहे हो अभय बाबू, अभी तो तुम्हें अपने जुर्म कबूल करना बाकी है। तीन तीन खून करके पेट नहीं भरा तो और दो खून करने चले थे? और खून करूंगा मैं, और करूंगा। जो भी मेरे और मेरी कंपनी के बीच में आएगा वो सबको मरना पड़ेगा। गद्दारी की थी मेरी पत्नी कृतिका ने मेरे साथ। कैसी गद्दारी? मैंने कृतिका ईशान और रणवीर को पार्टनर बनाया था अपनी कंपनी में ताकि वो तीनों मेरी मदद कर सके बिजनेस में, पर उन तीनों ने मिलकर मेरा ही पत्ता काट दिया मेरी कंपनी से। और ये विशाल जिसे मैंने लाया था इसका हिस्सा मुझसे भी ज्यादा है मेरी कंपनी में। और इसलिए तुमने विशाल को अपने साथ मिला लिया और प्लान बनाया रणवीर ईशान और कृतिका को मारने का, है ना? जो विचार, फिर तुमने आर्यन और शिमोना की मदद ली और कॉन्फ्रेंस रूम के प्रोजेक्टर में वो मैकेनिज्म फिट कर दिया और ये बेचारे तीनों के तीनों मारे गए। तुम्हें पता था कि तीनों मरने के बाद इनका सारा हिस्सा
विशाल को मिलेगा और विशाल कंपनी का मालिक बनेगा और फिर किसी भी तरह से तुम विशाल से कंपनी हथिया लोगे, क्यों है ना? हाँ, फिर क्या करता मैं? क्या करता मैं? अपनी खोई हुई कंपनी पाने के लिए यही एक रास्ता था मेरे पास। पर अफसोस अभय जी, तुम्हारा ये रास्ता फांसी के फंदे पर जाके खत्म होता है, फांसी के फंदे पर। और विशाल तुम भी नहीं बच सकते, क्योंकि मुजरिम का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरिम होता है। ले जाओ इन सो, चलो सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, सर मुझे माफ कर दीजिए सर, चलो सर, मेरा कुछ नहीं है सर, मुझे माफ कर दीजिए। तो सॉल्व हो गया। हाँ रजत, ये केस तो सॉल्व हो गया, मगर वो तीनों कहाँ हैं? मिंटू, हसन, सुखी, मनप्रीत, उन तीनों ने भी बहुत मदद की हमारे इस केस में। पता नहीं कहाँ हैं सर, उनकी कोई खबर ही नहीं। अच्छे बच्चे हैं, बता रहे थे मंजिल के बहुत करीब पहुंचने वाले हैं, 26 तारीख बजाते रहो। अच्छे बच्चे तो 26 तारीख को बजाते रहो, मिंटू, हसन, सुखी और मनप्रीत, बजाते रहो।